बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवी, मतलब फुल एंटरटेनमेंट। इतने टाइम बाद कोई अच्छी मूवी आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, फर्स्ट और सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? मेरे को फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक फुल एंगेजिंग लगी। मैं लास्ट का गाना भी देख के आई हूँ, एक पैसे भी नहीं छोड़े मैंने। क्या बात है, फुल एंटरटेनमेंट। साल बाद आई ये फिल्म, कैसा लगा आपको फर्स्ट फ्लोर, कैसा लगा और ऑडियंस को कैसा लगना चाहिए आप बताना? ऑडियंस पूरा थिएटर भरे हुए हैं, ऑडियंस से तो पूछने की बात नहीं है, लोग आगे की सीट पर बैठ के यूं देख रहे हैं। फिर श्रद्धा कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? मैं राजकुमार राव, बाप रे क्या एक्टर है वो बंदा, एक सेकंड मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है या भगवान हो चुका है एक्टिंग का। मतलब फर्स्ट मूवी एंड नाउ इज डूइंग लाइक दैट, ऑसम ऑसम। हर एक कैरेक्टर उसमें जो भी है, भले उसने एक सीन रोल प्ले किया है या 10 सीन रोल, वो जो इस तरह घूंघट में आई है ना, उसने भी अच्छा रोल प्ले किया। मैं तो कह रही हूँ इस फिल्म में बहुत सारे लोगों का सीक्वेंस हुए हैं, भेड़िया, मुंजा, सो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगी, कैसा लगा आपको उनका? मुंजिया का अभी ज़्यादा नहीं था, मुंजिया का लिटिल बिट, पर हिंट दिया है उन्होंने, जो मुंजिया मूवी में एंड में हिंट था ना, वो यहाँ पे कंटिन्यू किया है। तो नाउ आई एम एक्साइटेड कि जब ये तीनों मिलेंगे और ये यूनिवर्स में एक साथ आएंगे तो क्या उसमें पार्ट 3 भी आने को वाली है। आप भी ये जल्दी पार्ट 3 निकाल दे, इतना मेरे पास सस्पेंस नहीं है रुकने, क्योंकि 3 मूवी लगातार इन्होंने निकाल दिया है। इस फिल्म के गाने कैसे लगे आपको? गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब प्रॉपर, और मतलब अच्छा सीन है, सबकी केमिस्ट्री अच्छी है, स्पेशली राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। इस फिल्म को कितनी रेटिंग देना चाहिए? अभी मैंने 6.5 दी थी, 7 बोल दूँ क्या आउट ऑफ 5? क्या बात है, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आए, टाइम निकालें और देखें ये मूवी, और उनको पता चले यार मूवीज़ भी अच्छी बन रही हैं। लोगों ना लग रहा है कि वेब सीरीज ही अच्छी है, नहीं, मूवीज़ तो मूवीज़ ही होती हैं, ऐसी मूवीज़ निकलेंगे तो ब्लॉकबस्टर ही होंगे भाई साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हो गया पर क्या, क्यों? अरे तेरे लिए भी बोल रही हूं तो तू ऐसा मैम, अरे वो क्यों? स्त्री 2 फिल्म कैसी लगी? काफी ज्यादा बज बना हुआ है मार्केट में, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म, बहुत ज्यादा अच्छी। जनरली हॉरर प्लस कॉमेडी उतना अच्छा नहीं बनता है, बट इस मूवी में एक सेकंड के लिए भी हमें मतलब डिस्कनेक्ट नहीं किया, कनेक्शन बना रहा हमारा। सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग? दोनों, मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग टू एंड बेहद अच्छी थी, बहुत मजा आया देख के। सरप्राइज एलिमेंट कैसा लगा? सो अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की केमिस्ट्री कैसी लगी? बहुत अच्छी, और स्पेशली राजकुमार राव बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे। इस फिल्म के ओवरऑल सॉन्ग की बात करें तो कितने एंजॉयफुल रहे आपके लिए सॉन्ग्स? तो मुझे ओके लगे, बाकी पूरी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो 5 out of 5 देना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्ट 3 भी आ रहा है। हाँ, पार्ट 3 भी आ रहा है। मैं तो सबको कहना चाहूंगी आप जरूर जाइए, जरूर देखिए, मजा आने वाला है। बट वो सरकटा मुंडी बहुत डरावना है, वो मुझे भी डर लग गया उसे देख के। थैंक यू मैम। कैसी लगी मैम? स्त्री 2 माइंड ब्लोइंग है, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मैं अभी भी शॉक में हूँ, क्योंकि एक के बाद एक ऐसा सस्पेंस, ऐसा सरप्राइज दिया है ना कि मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्या बोलूँ। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट हाफ का जो इंटरवल पार्ट था वो बहुत माइंड ब्लोइंग था। मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ कुछ भी, स्पॉइलर कुछ भी नहीं दोगी, पब्लिक का मजा खराब नहीं करोगी। मैं इंटरवल पार्ट वॉज अमेजिंग, एंड जो क्लाइमैक्स था वो तो आउटस्टैंडिंग था, एंड सरप्राइज पैकेज के लिए तो बाप रे मैं क्या बोलूँ। मतलब जो एंड में उन्होंने सरप्राइज पैकेज दिया है उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बस वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटमेंट है कि अब क्या होगा, अब अमर सर अब क्या लाने वाले हैं। अक्षय कुमार और वरुण का भी सीक्वेंस दिखाया गया, आपने रिवील कर दिया पर अभी सबको पता है तो मैं बोलना चाहूँ कि वो तो अनएक्सपेक्टेड था। मैं खुद शॉक हो गई थी कि ये कहाँ से आ गए। मैं बोली सर तो खेल खेल में जाने वाले थे, यहाँ पे कहाँ से आ गए, मैं सोच में पड़ गई। पर उनका भी कैमियो बहुत ही अच्छा, वो एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट पार्ट था मूवी का, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो कोई भी मिस नहीं कर सकता। सो मेरे हिसाब से तो वो कैमियो उनका अच्छा था। एंड वरुण धवन सर वो तो हमारे भेड़िया है, वो तो कहीं भी पहुंच जाएंगे। सॉन्ग कैसे लगे? सॉन्ग्स मुझे आइटम नंबर तमन्ना भाटिया का अच्छा लगा, एंड खूबसूरत सॉन्ग जो रोमांटिक अभी आया है ट्रेंडिंग, वो दो सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगे पूरे फिल्म में। कितने स्टार देना चाहेंगे? स्टार्स देने से पहले मैं बोलूँगी कि श्रद्धा कपूर मैम को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि श्रद्धा कपूर मैम एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, तो उनको आप और स्क्रीन प्रेजेंस दो, उनके ऊपर और फोकस करो, बिकॉज उनको हम बहुत ही कम देखते हैं मूवीज़ में, तो जब आते हैं तो उनको पूरा पूरा टाइम दो मूवी में, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। पर सबका काम अच्छा था तो मेरी तरफ से मूवी को 5 on 5, एंड प्लीज ऐसी और मूवीज आती रहे, स्त्री को दोबारा लाइए आप। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं इसको मत लीजिए। ओके फर्स्ट वन मैम, स्त्री 2 कैसी लगी? हाय, आई एम स्नेहा खामकर। स्त्री 2 बहुत अच्छी मूवी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, बहुत एंटरटेनिंग है, फनी भी है। मुझे इनिशियली लगा था थोड़ी स्कैरी होगी, बट स्कैरी नहीं है, अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए। एंड 15th August है इसलिए मैं आई हूँ,
हमारी पूरी टीम के साथ, हमारी जो एक्टिंग क्लास है, आई एम एन एक्टर एट सेल्फ, तो हमारी पूरी एक्टिंग क्लास के साथ, इट्स अ वेरी नाइस मूवी सबको। सेकेंड हाफ मज़ा आ गया, इट वॉज फन, एंड द सॉन्ग इज आज की रात वॉज वेरी नाइस एंड ग्लैमरस, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा। हाँ, इट्स लाइक द मूवी इज क्वाइट एजी, एवरी टाइम देर इज समथिंग न्यू, सो इट्स अ क्वाइट गुड, मतलब जो जनरली जो रोम कॉम्स होती है वैसी टिपिकल मूवी नहीं, इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ थ्रिलर, आई लाइक इट। सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो कैसा लगा? राजकपूर, राजकुमार राव इज अमेजिंग, पंकज त्रिपाठी सर इज अमेजिंग, सुपर, श्रद्धा कपूर इज अमेजिंग, सब लोग बहुत अच्छे। और इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? 3 स्टार्स। अच्छी मूवी थी, हॉरर एंड कॉमेडी थी, और काफी टाइम बाद कॉमेडी देखा तो अच्छी मूवी, 6 साल बाद आई तो कहानी कितना एक्साइटमेंट लगा और क्या कुछ खास लगा? बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बट आई थिंक बड़े होने के बाद भी और बचपन में भी अच्छी लगी थी, अभी भी अच्छी ही लगी है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा एंगेजिंग रही है अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट हाफ भी, सेकंड हाफ भी अच्छी थी, बट फर्स्ट हाफ इज मच बेटर। इस फिल्म में काफी सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं, अक्षय कुमार, वरुण धवन जैसे लोग भी दिखाई दिए, तो क्या कैसा लगा? आई थिंक वरुण धवन का तो मुझे प्रिडिक्टेड था, बट अक्षय कुमार का एक सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए था, क्या रे ये अचानक लास्ट में उन्होंने पॉइंट भी छोड़ा है ना, तो मे भी हो सकता है कि आगे विलेन बन के आए वो, या फिर नेक्स्ट उन पे ही कोई स्टोरी बेस्ड हो सोलो, तो वो हमें लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। गाने इस फिल्म के काफी हिट हुए हैं, तो आपको कितना एंजॉयमेंट रहा? मैं बताऊं, मैं बिहार से हूं। कैसी लगी? नहीं, मैं गाने पे बता रहा हूं, पहले नहीं देख रहे थे ये लोग। मैं बिहार से हूं और पवन सिंह का जो गाना उन्होंने गाया है, सो इट वॉज रियली गुड, मतलब यूपी बिहार में जिस तरीके इसका वंश दिख रहा है हम लोग को दिखते हुए कि ये फिल्म को वो लोग भी देखना पसंद करेंगे सिर्फ पवन सिंह के लिए। एक्चुअली क्या है ना कि पवन सिंह का फैन फॉलोइंग बिहार यूपी में बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उनको इस फिल्म से जुड़ने का मौका मिला या जोड़ा गया तो मुझे लगता है कि ये फैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ा है स्त्री टू के लिए, एक क्रेज़ बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इनफैक्ट वो जो गाना है वो वायरल भी हुआ है, मूवी से पहले ही वायरल हो रखा था, और अभी भी मैंने जब सारे गाने सुने तो रियली पवन सिंह वाला गाना बहुत अच्छा। एक्टिंग की बात करें तो किस सबके सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो कैसी लगी उनकी एक्टिंग? राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर एंड ऑल, मतलब एज़ यूजुअल राजकुमार राव तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, और स्त्री में तो उनको देखने के लिए ही आ रहे हैं हम लोग, और श्रद्धा कपूर भी अच्छी है, अपार शक्ति ने बिल्कुल बांध के रखा है, बाकी अभिषेक बनर्जी बीच में आए थे बट उनका भी अच्छा था, और पंकज त्रिपाठी। कॉमेडी फिल्म है तो डर वगैरह लगा आप सभी को? स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा सा, सर कटा, हाँ सर फिरा, नॉट काइंड ऑफ कि डर लगा, बट वो जो इफेक्ट्स थे, वो साउंड के इफेक्ट, सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी थी, और एक हॉरर कॉमेडी को सही में एक हॉरर तरीके से भी दिखाया गया, फिर कॉमेडी तरीके से भी फिल्म को बांध के रखा है, और मैं कहूँगा कि वो एक फुल मज़ा, फुल एंटरटेनमेंट आया, फुल पैसा। और एक साथ 3 फिल्में रिलीज हो रही है, तो क्या लगता है कि ये बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर पाएगी स्त्री 2? बिल्कुल कमाल कर पाएगी स्त्री 2, तो वही टाइम हमने कल रात को, मतलब शाम को ही बुक कर ली थी कि कहीं आज तो लग रहा था अक्षय कुमार आए हैं, बोले गए कि बगल वाले में मेरी भी फिल्म लगी हुई है देख ले। इस फिल्म को कितने स्टार देना पसंद करेंगे आप लोग? 4.5। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। बहुत एंटरटेनिंग है, एक नंबर पिक्चर है, स्त्री ने सरप्राइज किया था, इसने डबल सरप्राइज किया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो आना वर्थ हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबके परफॉर्मेंस अच्छे लगे, बाकी मुझे पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव ने सरप्राइज किया, उनका काम मुझे बढ़िया लगा, अच्छा सपोर्ट किया अपर शक्ति खुराना ने और अभिषेक बनर्जी ने। श्रद्धा कपूर का डिसअपॉइंट हुआ कि उसका स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा कम था, थोड़ा और रोल ज़्यादा होना चाहिए था। ओवरऑल फर्स्ट हाफ थोड़ा मुझे लिटिल बिट स्लो लगा, बाकी सेकंड हाफ में पिक्चर पिकअप की है, म्यूज़िक अच्छा है, अमर कौशिक का डायरेक्शन अच्छा है, और VFX भी मतलब बहुत काम अच्छे से काम किया है VFX पे, तो ओवरऑल एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी बनाई है। मेरे लिए सेकंड हाफ थोड़ा एंगेजिंग था, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगा, सेकंड हाफ थोड़ा अच्छा एंगेजिंग था, मतलब बांधे रखी पिक्चर ने एंड तक, लेकिन थोड़ा सा क्लाइमेक्स में मुझे थोड़ा लिटिल बिट मतलब
सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब क्लाइमेक्स। अच्छा था उनका मतलब शॉर्ट रोल था, अच्छा था उनका आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आया उनका आइटम सॉन्ग देखने। जहाँ तक हमें व्यूअर को लग रहा था इस फिल्म में भेड़िया और मुंजा जैसे कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, तो देखने को मिला उनकी केमिस्ट्री कैसी? सरप्राइजेस मिले, लेकिन क्या क्या सरप्राइज मिले वो ऑडियंस आके देखे, कि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। आप आइए, दो तीन सरप्राइजेस है, आप देखेंगे बहुत एंटरटेन होंगे और सरप्राइज देख के आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। गाने की बात करें तो भोजपुरी के किंग खान भी कहे जाने वाले, पवन सिंह का भी गाने हैं इसमें, तो पवन सिंह का गाना अच्छा है, पवन सिंह का जो गाना बजता है वो बहुत बढ़िया है, बाकी सब गाने अच्छे हैं। ऐसा मतलब कोई मुझे ऐसा मतलब बहुत अच्छा गाना कोई नहीं लगा, बाकी सब गाने अच्छे लगे। इस दिन 15 अगस्त के दिन तीन फिल्में रिलीज हुई, क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे स्त्री 2 कमाल कर पाएगी? मैं बॉक्स ऑफिस की अगर बात करने जाऊँ तो मतलब बॉक्स ऑफिस पे तो स्त्री 2 मतलब बहुत आगे है, मतलब स्त्री 2 95% है, तो वेदा 3% है, खेल-खेल में 2% है। बाकी ऐसा क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्चर देखूँगा तो पता चलेगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खेल-खेल में भी अच्छी रहेगी और वेदा भी अच्छी होगी। 4 स्टार्स। ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि आप आइए, आपको हॉरर भी मतलब हॉरर आपको बहुत अच्छे से दिखाया है, हॉरर आपको एंटरटेनमेंट भी अच्छा मिलेगा और आपको मतलब स्त्री का पूरा यूनिवर्स देखने